बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम आपके लिए बॉर्डर लेस डिज़ाइन लेकर आए हैं। बहुत सिंपल है। अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, घंटी को प्रेस ज़रूर करें, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके ऑल पर कर दें ताकि जब मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। चले फिर इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस तरह फिंगर पर धागा फोल्ड करेंगे और क्रेशेट का मुंह अपनी तरफ रखते हुए इस तरह राउंड लेंगे और गिरा लगाएंगे। अब हमने जहां पर भी बनाना है कॉर्नर पर स्टार्ट करेंगे। यहां पर सबसे पहले हमने ये देखिए डालकर इस तरह धागा लेकर उसी से सेम जगह पे हमने बाहर आना है। देखिए दो धागे हैं, दोनों में से बाहर आ जाना है। इसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। सिंगल क्रोशिया लेने के बाद अब आगे का हमने काम स्टार्ट करना है। उसके लिए हम लेंगे 3 की चेन, 1, 2 एंड 3। 3 की चेन लेने के बाद थोड़े से स्पेस में इसको हम देखिए इस तरह अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिएट के साथ इस तरह। अब यहाँ पर हम लेंगे 4 की चेन, 1, 2, 3, 4। 4 की चेन लेने के बाद 2 बार इस तरह हम क्रोशिएट के ऊपर धागा फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा 3 चेन वाला स्पेस है, ये गैप, इसके अंदर हम ट्रिपल क्रोशिएट बनाएंगे 6 बार। ये देखें इस तरह हम गैप के अंदर ये धागा लेकर बाहर आ जाएंगे। हमारे पास इस टाइम 4 धागे हैं। धागा लेकर पहले हमने 2 धागों में से बाहर आना है, फिर धागा लेकर 2 में से बाहर आएंगे। देखिए हमारे पास क्रेशिएट के ऊपर 2 धागे हैं, धागा लेकर 2 में से भी बाहर आ जाएंगे। फिर से हम 2 बार क्रेशिएट के ऊपर धागा फोल्ड करेंगे और इसी गैप के अंदर ट्रिपल क्रेशिएट बनाएंगे। धागा लेकर 2-2 धागों में से हमने इस तरह बाहर आना है। ये देखिए 2 बार हो गया। फिर से 2 बार धागा फोल्ड करेंगे और इसी गैप के अंदर ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। तीन, और फिर से यहाँ पर डालकर इस तरह 2-2 धागों में से धागा लेकर बाहर आ जाएंगे। ये हमारा 4 बार हो गया। फिर से इसी स्पेस में जाकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 5, फिर से हम 2 बार धागा फोल्ड करेंगे। देखें हाथ यहाँ पर थोड़ा सा लूज रखेंगे हम, ये देखिए इस तरह, ये देखिए 6 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब लेंगे हम फिर से 3 की चेन, 1, 2 एंड 3। 3 की चेन लेने के बाद ये देखिए जहाँ पर ये यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से भी जहाँ पर ये झुकेगा इसको हम अटैच कर देंगे। ये ज़्यादा करीब भी नहीं, ज़्यादा दूर भी नहीं, जहाँ पर भी ये झुक रहा है वहाँ पर हम इसको इस तरह पहले सिंगल क्रोशेट के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए
सिंगल क्रोशेट के साथ अटैच करने के बाद अब हमने इसी गैप के अंदर फिर से जैसे हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया है बनाएंगे, फोर की लेंगे चेन, टू थ्री फोर, फोर की चेन लेने के बाद दो बार क्रोशेट के ऊपर धागा फोल्ड करेंगे और इस गैप के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए दो दो करके हमने इन धागों में से बाहर आना है, एक दो तीन चार पांच छः, ये देखिए हमने सिक्स बार बना लिया इस तरह। अब फिर से लेंगे हम थ्री की चेन, वन टू एंड थ्री, ये देखिए जहाँ से पकड़ कर यहाँ ये झुक रहा है वहाँ पर इसको सिंगल क्रोशेट के साथ इस तरह अटैच कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा ये हमारा काम है, बॉर्डर लेस बन रही है। आप इसको स्कॉप पर, दुपट्टे पर, दामन पर भी बना सकते हैं। अब फिर से हम लेंगे फोर की चेन, थ्री एंड फोर, और इसी स्पेस में इसी तरह हम सिक्स बार ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। लेकिन दो बार धागा फोल्ड किया और इस गैप में जाकर हमने ट्रिपल क्रोशेट बनाना है, धागा लेकर हमने दो दो धागों में से बाहर आना है, उसको ट्रिपल क्रोशेट कहते हैं। सिक्स बार बनाएंगे, इसी तरह बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने इसको बना लिया है, बहुत सिंपल सी बॉर्डर लेस है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, घंटी को प्रेस ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।